Most welcome in this session. Today we shall discuss the psychological practical of free association or bird association. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत मुक्त सहचर्य परीक्षण या शब्द सहचर्य परीक्षण जो कि बीएड, एमएड, बीएलएड, बीए, एमए एजुकेशन के साइको प्रैक्टिकल का एसेंशियल पार्ट है जो कि आपको एग्जामिनर के सामने करना रहता है। जब आप एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल को कंपाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिकल नॉलेज लिखना होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखना होता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है टू पार्ट में। पहला थ्योरेटिकल नॉलेज या सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रयोगात्मक पक्ष। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो आपको अपनी फाइल में थ्योरी लिखनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरी रहेगी बर्ड एसोसिएशन टेस्ट की या फ्री एसोसिएशन टेस्ट की, ठीक है, तो वो थ्योरी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एसोसिएशन या सहचर्य का मतलब क्या है, कब इसका कॉन्सेप्ट आया, किसने इसकी एडवोकेसी की है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया गया है। इसको सेम टू सेम आप कॉपी कर देंगे अपनी पन सीट पर, ठीक है। ये हमारा है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और हिंदी का जो हमारी थ्योरी है, हिंदी का आपका सैद्धांतिक पक्ष यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर आप सहचर्य का अर्थ या एसोसिएशन का मीनिंग बताएंगे, एसोसिएशन के जो हमारे नियम हैं, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉस के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, कि क्या हमको करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैंट रॉसऑफ, ठीक है, कि बर्ड एसोसिएशन शब्द सहचर्य परीक्षण की एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें बर्ड दिए गए होंगे कितने, 100 वर्ड, 100 शब्द। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर 100 शब्द दिए गए हैं। करना क्या है आपको, ये हमारा जो फर्स्ट है उद्दीपक शब्द जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है, और जो हमारा प्रतिक्रिया शब्द है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन वर्ड, और हमारा जो प्रतिक्रिया काल है इसको हम बोलेंगे सेकेंड में हम इसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मेज, आप अपने सब्जेक्ट के सामने वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे मेज, और सब्जेक्ट को आप टाइम देंगे 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड में, मैक्सिमम 2 सेकेंड में उसको एक वर्ड आपको रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेज कहते हैं तो वो आपको वहाँ पर कुर्सी शब्द बोल देता है, ठीक है, तो वो 1 सेकेंड लिया कि 2 सेकेंड लिया यहाँ पर आप मेंशन करते जाएंगे, ठीक है, मेंशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेज का वर्ड आपका यहाँ पर हो जाता है कुर्सी, ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, ये आप मेंशन करते जाएंगे। और हर स्टेप, हर जो वर्ड दिया गया है 100 वर्ड तक आपको सेम टू सेम सिमिलर यही प्रोसेस करना है, ठीक है। अंधेरा, रात्रि या जो बच्चा वहाँ पे रिस्पॉन्स देगा उसकी बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द के लिए मैक्सिमम 2 सेकेंड आपको देना है, और जब वो बच्चा रिएक्शन या जो हमारा यहाँ पे आ जाइए स्टिमुलस वर्ड, उद्दीपक शब्द, रिएक्शन वर्ड, अनुक्रिया शब्द, और ये हमारा अनुक्रिया है प्रतिक्रिया समय सेकंड में रहेगा, तो इस तरह से 1 to 100 तक आप पे वर्ड्स को कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्या करना, इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेज था और यहाँ पर वर्ड दे दिया गया कुर्सी, टाइम कितना लिया, 1 सेकंड, अंधेरा यहाँ पे उजाला हो गया है, डार्क या, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड लिया। इस तरह से आपको 100 वर्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही 100 वर्ड आपके हो जाएंगे, अब यहाँ पर इन वर्ड्स को आपको करना है आइडेंटिफाई 3 लॉस में या 3 नियमों में। पहला लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ कंट्रास्ट, विरोध का नियम या समानता का नियम, और तीसरा रहेगा हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, समीपता का नियम। थ्योरेटिकल पार्ट में दिया गया है आपके, ये प्राइमरी लॉस हैं, प्राथमिक नियम इन्हीं की हम बात करेंगे, सेकेंडरी भी है लेकिन सेकेंडरी की बात हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे 100 वर्ड हो जाएंगे, इनकी बनाई जाएगी एक टेबल यहाँ पे, ठीक है। टेबल कैसे बनाया जाएगा, टेबल बनाया जाएगा इस फॉर्म में, यहाँ पर स्टिमुलस वर्ड, यहाँ पर रिएक्शन वर्ड, और यहाँ पर टाइम,
और यहाँ पे सेंटेंस या इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, अंतरदर्शन रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पहला वर्ड था मेज कुर्सी, ठीक है। तो मेज और कुर्सी तो दोनों का पेयर होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर हमारा नियम कौन सा आ जाएगा, कॉन्टिग्यूटी, जिसको हम बोलते हैं समीपता का नियम। देखो कॉन्टिग्यूटी कहाँ पे आएगा, जहाँ पर पेयर की बात होती है, जहाँ पर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिना अधूरी है, तो वहाँ पे कॉन्टिग्यूटी आ जाएगा या समीपता का नियम। जैसे यहाँ पर रात है आपका, ठीक है, अंधेरा रात, तो सबको मालूम है कि रात में अंधेरा होता है, तो अंधेरा रात से संबंधित है, कोरिलेट करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाता है कॉन्टिग्यूटी या समीपता का नियम। अब यहाँ पर जैसे ए है आपका कौन सा, आदमी औरत, मैन और वुमेन, तो मैन और वुमेन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा विरोध का नियम या असमानता का नियम या लॉ ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं समानता के नियम पर, एक पर्वत और पहाड़, माउंटेन और हिल्स, ठीक है। यहाँ पर पर्वत और पहाड़ जो हैं दोनों सिमिलर वर्ड हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारा समानता का नियम या लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो इसी तरह आपके जो 100 वर्ड बच्चे ने रिस्पॉन्स किए हैं यहाँ पे, ठीक है, इन 100 वर्ड का हमको देख लेना है कि कौन सा नियम यहाँ पर यूज हुआ है, समानता का नियम, असमानता का नियम या समीपता का नियम। उसके बाद में समानता के नियम के जितने भी आपके वाक्य होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, उनको अलग कर लेंगे कि कितने वर्ड हमारे समानता के नियम में हैं, कितने वर्ड हमारे असमानता के नियम में हैं और कितने वर्ड हमारे समीपता के नियम में हैं। और उनका सबका जो हमारा रिएक्शन टाइम है, समीपता में समीपता वाले के टाइम, कॉन्टिग्यूटी मतलब, ठीक है, और समानता वाले में समानता का टाइम, इस तरह से हम इनको अलग टेबल में कर लेंगे। चलो इसको हम आगे बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जहाँ पर आपको समझ आएगा क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फ्री एसोसिएशन टेस्ट या बर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण या शब्द सहचर्य परीक्षण बाय कैंट रोसनाब, ठीक है, कैंट रोसनाब इनको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट और टू स्टडी द लॉस ऑफ एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ फ्री वर्ड एसोसिएशन, स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण की सहायता से सहचर्य नियमों का अध्ययन करना। सेकेंड, टू फाइंड आउट द मोस्ट डोमिनेंट लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोग में सबसे प्रभावशाली सहचर्य नियमों को ज्ञात करना। अगला हमारा, टू स्टडी द पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं एवं संवेगात्मक जटिलताओं का अध्ययन करना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे नाम डाल देंगे, एज डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेंटल हेल्थ में नॉर्मल आ जाएगा। डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेटर में यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी और ऊपर सब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डाल देंगे। यहाँ पर हमारा आ जाता है डेट एंड प्लेस, प्रीवियस वीडियोस की तरह हमारा साइकिल है, जो हम आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज का नाम डाल देंगे, रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ, या आपका जो कॉलेज होगा उसको हम मेंशन कर देंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल या आवश्यक सामग्री भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको सीट की ज़रूरत पड़ेगी कैंट रोसाब की शब्द सहचर्य परीक्षण, जिसमें 100 शब्द दिए गए हों, ठीक है, स्टॉप वॉच, पेन पेंसिल और अदर एसेंशियल थिंग जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसके बाद में हमारा इनिशियल प्रिपरेशन आ जाता है, प्रीवियस वीडियोस की तरह सेम रहेगा जो हम अब तक करते आए हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सेम रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस भी आपके सेम रहेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपका इंटेलिजेंस, HSPQ और मिरर ड्राइंग में बताया गया है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जो प्रीवियस प्रैक्टिकल है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फ्री एसोसिएशन के जो हमारे इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लीज़ बी सीटेड कंफर्टेबली, यहाँ पर हम बच्चे से कहेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा कि आप आराम से बैठ जाइए, जब बच्चा बैठ जाएगा उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन देंगे, फर्स्ट यू विल लिसन इस सिग्नल ऑफ रेडी, सबसे पहले आपको प्रारंभ करने का सिग्नल या संकेत सुनना है, ठीक है। उसके बाद में क्या, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द रेडी सिग्नल, जब आप प्रयोज से कहेंगे कि रेडी हो जाओ, ठीक है, तो प्रयोज रेडी हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल विल स्पीक,
जो हमारा यहाँ पर परीक्षण करता है वो एक शब्द बोलेगा। शब्द कौन सा बोलेगा? शब्द बोलेगा यहाँ पर जो दिया गया है पहला वर्ड हमारा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल शब्द बोलेगा। इसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ये वर्ड डेट इज स्कूल, लेकिन आप क्या बोलेंगे वहाँ पे टेबल। एज यू लिसन द वर्ड, जैसे ही प्रयोग शब्द को सुनेगा उसके मन में कुछ वर्ड आएंगे। इफ़ यू रिस्पॉन्सेस विल स्ट्राइक एट वंस इन योर माइंड, उसके मन में कुछ उत्तर आएंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। यू विल हैव टू कीप इन माइंड डेट एनी वर्ड विच स्ट्राइक एट फर्स्ट हियरिंग ए स्टिमुलस वर्ड। तो आप उससे कहेंगे कि आपके मन में जितने भी वर्ड आए, जो सबसे पहले वर्ड आया है उसको रिस्पॉन्स के रूप में आप हमको बताएंगे। जैसे वो बताएगा आप उसको नोट कर लेंगे और हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, डोंट हेजिटेट इन गिविंग योर रिस्पॉन्स। आपको अपना उत्तर देने में किसी भी प्रकार की हेजिटेशन ना हो और आप क्विकली या तीव्र गति से रिस्पॉन्स देते जाएं जो स्पोकन किए जाएंगे एक्सपेरिमेंटर के द्वारा या परीक्षणकर्ता के द्वारा, ठीक है। इन दिस वे यू विल हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स, इस तरह से आपको 100 रिस्पॉन्स देने हैं ईच स्टिमुलस वर्ड का। जितने भी उद्दीपक शब्द आप बोलेंगे उसका बच्चा रिस्पॉन्स देगा वहाँ पे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज आस्क्ड इफ हैड एनी क्वेरी रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में आप बच्चे से कहेंगे, कह देंगे अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, तो बच्चे को आप वहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रोसीजर, प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है हमारा, प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रयोज होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको हम कंफर्टेबली बैठाएंगे आराम से, ठीक है। कि बच्चा जब बैठ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द सब्जेक्ट इज सीटेड कंफर्टेबली स्क्रीन वाज प्लेस्ड बिटवीन एक्सपेरिमेंटर एंड सब्जेक्ट। तो हमारा जो हमारा प्रयोज होगा और हम परीक्षण करता है, उस प्रैक्टिकल उस एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में हम एक रेपो एस्टेब्लिश कर लेंगे, उसको हम इन शॉर्ट ब्रीफ में बता देंगे क्या क्या करना है, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, बिफोर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व, वन और टू प्रैक्टिस ट्रायल, यहाँ पर हम एक और दो मतलब कोई और शब्द देकर उसको हम बता देंगे कैसे करना है। जैसे हमारा पहला वर्ड दिया गया है मेज, तो ये वर्ड हम नहीं बोलेंगे, हम कोई नया वर्ड बोलेंगे यहाँ पर जो हमारे सीट में ना दिया हो। जैसे लिखा है ना यहाँ पे, प्रैक्टिस ट्रायल विद स्टिमुलस वर्ड नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अलावा हम किसी और वर्ड को ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझा देंगे कैसे उसको रिस्पॉन्स देना है। एक्सपेरिमेंटर गिव ए स्टिमुलस वर्ड, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर या परीक्षणकर्ता प्रयोगकर्ता एक उद्दीपक शब्द देगा और उसे कहेगा 2 सेकेंड के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना है। बच्चा रिस्पॉन्स देगा, उसके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे और जितना टाइम लगा उस टाइम को भी नोट कर लेंगे। लेटर ऑन उसके बाद स्टिमुलस वर्ड्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट वर स्पोकन वन बाई वन, उसके बाद में हम स्टिमुलस वर्ड बोलते जाएंगे, वो रिस्पॉन्स देता रहेगा, तो उसका रिस्पॉन्स और टाइम हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। एट लास्ट उसके बाद में एक्सपेरिमेंटर इन्वेस्टिगेटेड, उसके बाद में प्रयोगकर्ता को लॉस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ईच स्टिमुलस वर्ड रिस्पॉन्स वर्ड, इसके बाद में जितने भी स्टिमुलस वर्ड थे और रिस्पॉन्स वर्ड थे उन दोनों के बीच में कौन सा नियम प्रयोग हुआ है सहचर्य का, या लॉस ऑफ एसोसिएशन कौन सा यूज हुआ है। अब इसके लिए यहाँ पर क्या है, आपको एक बनानी है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर, स्टिमुलस वर्ड, रिएक्शन टाइम, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट और लॉस, हिंदी में क्रमांक, उद्दीपक शब्द, शब्द प्रतिक्रिया समय सेकेंड में, और हमारा अंतर्दर्शन रिपोर्ट और हमारे नियम। अब यहाँ पर हम जो टेबल बनाएंगे 1 to 100 तक आपको बनाना है। यहाँ पर ब्रीफ कर दिया गया है टेबल को, लेकिन आपको टेबल पूरा 1 to 100 वर्ड का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपका टेबल शब्द था पहला, ठीक है, टेबल टेबल का है यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया, स्टडी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसने बताया स्टडी, टाइम कितना लिया 2 सेकेंड का, और हम इन दोनों स्टिमुलस और रिएक्शन वर्ड दोनों का कंबाइन या सेंटेंस भी फॉर्मेशन कराएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया है बच्चे ने, सब्जेक्ट ने, आई यूज स्टडी टेबल, ठीक है। अब स्टडी टेबल आपका यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है, सॉरी ये आपका कॉन्टिग्यूटी में आएगा। यहाँ पे थोड़ा आपका एरर है, इसको ठीक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टडी है यहाँ पर, स्टडी टेबल है, ठीक है,
दोनों का एक दूसरे के साथ में रिलेशन दिखाया गया है। देखो तो सिमिलरिटी कहाँ पे आएगा, जहाँ पे चीज़ें सिमिलर होंगी वो आपके सरोनियम्स होंगे या मीनिंग सिमिलर रहेंगे। कॉन्टिग्यूटी का मतलब जो चीज़ें पेयर में हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, और हमारा कंट्रास्ट जो जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। या जैसे हमारा यहाँ पे आ जाता टेबल के साथ में चेयर, तो क्या हो जाता कुर्सी के साथ मेज रखी जाती है, तो ये समीपता का हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका समीपता का है। और यहाँ पे डार्क नाइट, ठीक है डार्क नाइट, अब दुनिया को मालूम है कि रात में अंधेरा होता है, तो यहाँ पर भी कॉन्टिग्यूटी ही आ जाएगा, समीपता का नियम सिमिलरिटी का नियम नहीं आएगा। ठीक है, इसी की तरह आपका हमारा अगला वर्ड है म्यूजिक मेलोडियस, 2 सेकंड लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बताया गया है आई लाइक मेलोडियस म्यूजिक। तो म्यूजिक के बारे में बात की गई है कि म्यूजिक बहुत मधुर है, तो एक कॉन्टिग्यूटी ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैन वुमेन दिया है आपका, तो यहाँ पे वुमेन इज द अपोजिट ऑफ मैन, कंट्रास्ट हो गया, विरोध का नियम। तो इस तरह से आपको 1 to 100 वर्ड तक लेके जाना है, टेबल रहेगी आपकी। इसके बाद में हमारा आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट में हमारा पहला आ जाएगा एवरेज रिएक्शन टाइम फॉर सिमिलरिटी, या हमारा समानता के नियम के लिए औसत समय या औसत प्रतिक्रिया समय, दूसरा हमारा विरोध के नियम के लिए, और तीसरा हमारा समीपता के नियम के लिए। अब यहाँ पर हमारे जितने भी वर्ड हों, जितना भी टोटल टाइम लगा होगा सिमिलरिटी या समानता वाले शब्दों में, उसका हमारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और नीचे जितने हमारे रिस्पॉन्स होंगे या जितने हमारे वर्ड होंगे वो आ जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे निकल आएगा एवरेज टाइम। ठीक है, ये हमारा एवरेज टाइम हो जाता है। फिर इसका हम बना देते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल 2, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पर नियम का नाम, फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज, टोटल टाइम, एवरेज टाइम। तो सिमिलरिटी हमारे 40 वर्ड, हमारे 100 वर्ड में हमारे 40 शब्द हैं यहाँ पर वो समानता के नियम के हैं, और 35 वर्ड हमारे कॉन्टिग्यूटी या समीपता के नियम के हैं, और 25 वर्ड हमारे विरोध के नियम के हैं। ठीक है, तो इनका परसेंटेज आपका 40, 35, 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 वर्ड दिए गए हैं, तो जितने वर्ड होंगे उतना हमारा परसेंटेज हो जाएगा। अब हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम का मतलब यहाँ पर है जो सिमिलरिटी वाले वर्ड हमारे हैं, इसमें जो हमारे सिमिलरिटी के वर्ड होंगे, ठीक है ठीक है, उनका हम यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे। सिमिलरिटी का अलग टाइम रहेगा, कंट्रास्ट का अलग रहेगा, कॉन्टिग्यूटी का अलग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है ये टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर, क्रमांक, लॉस ऑफ एसोसिएशन, सहचर्य नियम, पहला सिमिलरिटी समानता का, कॉन्टिग्यूटी समीपता का, कंट्रास्ट विरोध का या समानता का। तो 40 वर्ड हमारे सिमिलरिटी में है, 35 वर्ड हमारे समीपता में है, 25 वर्ड हमारे विरोध में है, परसेंटेज आ गया। यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा सिमिलरिटी का 61 सेकेंड, 63 सेकेंड हमारा कॉन्टिग्यूटी का, और हमारा 42 सेकेंड हो जाएगा किसका, कंट्रास्ट का। एवरेज टाइम हमारा आ जाएगा, जितना टाइम हमारा लगा होगा, ठीक है, वो टाइम हमारा ऊपर रहेगा, और हमारे जितने भी वर्ड आए हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एवरेज टाइम, जो आपकी ऊपर फार्मूला दिया गया, टोटल रिएक्शन टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। इसके बाद में हमारा एवरेज टाइम आ गया। ठीक है, ये नीचे भी दिए इंडिकेट कर दिया गया, एवरेज रिएक्शन टाइम इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। इसके बाद में हमारा ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे हमको बार डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, ड्राइव बार डायग्राम, परसेंटेज एंड लॉस ऑफ फ्री एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम एक चार्ट वो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएंगे लॉस ऑफ एसोसिएशन 1, 2, 3। तो यहाँ पे इंडिकेशन दे देंगे हम। ठीक है, पहला वाला हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट का है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी का है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट की व्याख्या, सॉरी परिणाम की व्याख्या। तो पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, समीपता का नियम, या सॉरी पहला हमारा है यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। समानता के नियम में टोटल जो हमको प्रतिक्रिया शब्द मिले हैं कितने मिले हैं, 40, और टाइम लिया गया है 61 सेकेंड का, और एवरेज टाइम है हमारे सब्जेक्ट का 1.52 सेकेंड। इसी तरह हमारा कॉन्टिग्यूटी का आ जाएगा, कंट्रास्ट का आ जाएगा, और लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे, फ्रॉम एबव रिजल्ट, उपरोक्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिमिलरिटी के या समानता के नियमों का प्रयोग ज़्यादा किया है। और नीचे हम यहाँ पे दे देंगे शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो दिए गए हैं आपके। इसके बाद में हमारा आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट,
जो कि सब्जेक्ट के द्वारा ही आपको लिखवानी है, ठीक है। और जो हमारा हिंदी में अभी ऊपर दिया गया है, ठीक है, एवरेज रिएक्शन टाइम, इसको हिंदी में हम बोलेंगे औसत प्रतिक्रिया काल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल प्रतिक्रिया काल मतलब कुल प्रतिक्रिया समय जितना लगा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स उस कैटेगरी में जिसका हमको देखना है, ठीक है। तो हमारा सामीप्यता का नियम परिणामों की व्याख्या में अगर हम हिंदी में लिखेंगे जो हमारा दिया गया है ग्राफ के बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समीपता का पहले समानता का नियम हमारा, ठीक है। प्रियोज ने कुल 40 उद्दीपक शब्दों का या प्रतिक्रिया शब्दों को दिया गया है जिसमें उसने 61 सेकेंड लिया है और उसका जो एवरेज टाइम है वो इतना, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसका जितना भी आपका स्टेंसिल है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपके वीडियो के लिंक में आपको दे दिया जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।